हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिंदू का अर्थ होता है जो व्यक्ति गौ भक्त हो वो हिंदू है। जिस व्यक्ति के अंदर हीनता की भावना ना हो, जो दूसरों को सुख पहुंचाए, वो हिंदू है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये ग्रंथ लिखा गया है। किसके द्वारा? निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा ये ग्रंथ लिपिबद्ध है। शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। तो जयदेव गोस्वामी को जब उस राजा ने उस कुएं से निकाला, तो उन्होंने कहा कि महाराज, अब आपकी सेवा मैं करूंगा, अपनी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी सेवा करने का अवसर अवश्य देता हूँ। उन्होंने अवसर प्रदान किया। अब तो जयदेव गोस्वामी वहीं रहते, वहीं खाते, वहीं भगवान का भजन करते और बड़े आराम से वहीं रहते। जयदेव स्वामी वहीं रहते और वहां पर एक दिन जिन चोरों ने, जिन डाकुओं ने जयदेव गोस्वामी के हाथ और पैरों को काटा था, वो भी वहां पे उपस्थित हुए। इस बार साधु बन करके आए थे। पाखंड निरता हा संतो विरक्ता हा। कलयुग में पाखंड ज्यादा है, संत तो केवल नाम के हैं। अधिकतर तो केवल अपना घर चलाने के लिए लोग संत बन गए हैं। व्यक्ति को वस्तुओं का त्याग मन से करना चाहिए। गीता जी में 18वें अध्याय में कहा गया है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदुह। माने काम्य कर्मों का जब हम त्याग करेंगे, तभी जीवन के अंदर वही सच्चा त्याग माना जाएगा। काम्य कर्म क्या है हमारे? काम्य कर्म का अर्थ होता है कि कई सारी कामनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। पुत्री को लेकर के भी कामना आती है, पुत्र को लेकर के भी कामना आती है, धन को लेकर के भी जीवन में कामनाएं आती हैं। ये सारे काम्य कर्म हैं। इन सभी का जब जीवन से त्याग होगा, तब हम त्यागी बनते हैं। कोई घर को छोड़ दे, वो सच्चा त्यागी नहीं है। घर को छोड़ करके चले जाना, संन्यास ले लेना, ये त्याग नहीं है। वस्तुतः सच्चा त्याग कबीर का दिल से दिया उतार, सच्चा त्याग तो कबीर महाराज का है। कबीर महाराज ने बताया है कि जब हम त्याग करें, तो त्याग ऐसा होना चाहिए व्यक्ति का कि वो किसी भी वस्तु से मोह ना करे। यदि व्यक्ति वस्तु से मोह करेगा, तो चैतन्य रूप परमात्मा के साथ संबंध कैसे बनेगा? परमात्मा आनंद स्वरूप, परमात्मा चैतन्य स्वरूप, परमात्मा प्रकाश स्वरूप, हमारे भीतर भी विराजित परमात्मा है। आप सभी के भीतर भी विराजित परमात्मा है। आप सभी के अंदर जो जठाराग्नि है, जो अन्न का पाचन करती है, वो स्वयं भगवान है। अन्न खाकर के केवल हमारा शरीर पोषित नहीं होता, अन्न खाकर के हमारा मन भी पोषित होता है। इसलिए अन्न वही खाएं जिससे हमारे मन को भी बल मिले, केवल तन को बल ना मिले। आज की विद्या के मुताबिक हमको केवल तन के ऊपर ध्यान बताया जा रहा है, इसलिए बाहरी श्रृंगार लोग करते हैं, बड़े बड़े नाखून रखते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं। ये क्या है? बाहरी श्रृंगार है। बाहरी श्रृंगार को देख करके सांसारिक व्यक्ति प्रसन्न होगा, किंतु भीतरी श्रृंगार को देख करके हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। एक बार मन में ये ख्याल हमारे जीवन में अवश्य आना चाहिए कि भाई ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करें। जब भाव लाला को नए नए भाव प्रिय है, यदि आप नए नए भाव अपने बनाएंगे ठाकुर जी के सामने, तो उन भावों को ग्रहण करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ठाकुर जी लीला नहीं करते, बल्कि हम लीला करता हुआ देखना नहीं चाहते, इसलिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि दृष्टि हमारी धन पे रहती है, और जब तक दृष्टि धन पर रहेगी, तब तक जीवन में ठाकुर जी नहीं विराजित होंगे। क्यों? उनकी पत्नी तो लक्ष्मी है ही, उनके चरणों में विराजित हैं, उनको तुम्हारे धन की आवश्यकता है क्या? मंदिर में जाकर के 100 रुपए चढ़ा दो, 1000 रुपए चढ़ा दो, 1 लाख आप दान में कर दो, उससे क्या? भगवान को खरीद लिया आपने।
हे शंकर भगवान, यदि मेरे पुत्र की शादी हो गई तो मैं आकर के बेलपत्र चढ़ाऊंगी चढ़ाऊंगा। हे बंसी वाले, हे बांके बिहारी, यदि मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरे पास धन आ गया, तो अवश्य आपके लिए कुछ सेवा में दान करूंगा। आपके लिए 11,000 की पोशाक बनवाऊंगा, 56 भोग आपको चढ़वाऊंगा। अच्छा, और विवाह नहीं हुआ तो नहीं करोगे? इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ोगे? तो एग्रीमेंट क्यों? भगवान से एग्रीमेंट मत करो कि हमको ये चाहिए। भगवान प्रत्यक्ष लीला करते हैं। यदि आप देखें लीला करते हुए, आप सभी के घर में विराजित हैं ठाकुर जी, आप सभी के घर में ठाकुर जी विराजित हैं। एक बार करके देखिएगा, दूध लीजिएगा, कोई चाय का भोग मत लगाया कीजिए ठाकुर जी को, यदि कोई लगाते हैं तो, क्योंकि चाय का भोग हमारे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। यशोदा माता ने कभी चाय का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया। जब भी पिलाया, दूध पिलाया, माखन खिलाया, लाला को माखन मिश्री प्रिय है, दाल रोटी सब्जी चावल पूड़ी, हमारे ठाकुर जी तो चटक मटक है। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाए, हमारे ठाकुर जी चटक मटक हैं। अब कई सारे लोग तो ऐसे हैं महाराज कि स्वयं को चटक मटक दिखाते हैं। अब स्वयं को चटक मटक दिखाएंगे तो भाई ठाकुर जी को कौन देखेगा? जब तुम ही चटक मटक हो जाओगे तो हमारे ठाकुर जी चटक मटक हैं, उन्हें चटक मटक रहने दो। आप घर में दूध का भोग ठाकुर जी के सामने विराजित कीजिए, अपने पुत्र के रूप में ठाकुर जी को मानिए, राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में देखिए। जब हमारे घर पे लाला का जन्म हो तो गोविंद रूप में उसको देखिए कि हमारे घर पे स्वयं ठाकुर जी विराजित हुए हैं। जब लाली का जन्म हो तो समझिए कि राधा रानी विराजित है। आजकल तो वस्तुतः लोग ऐसा समझते हैं कि लाली आ गई तो अब तो भाई, ऐसा मत समझिए। आदरणीय मातृशक्ति हमारे भारत देश की अपने आप में संपूर्ण है। रानी मदालसा का आपने कभी चरित्र नहीं पढ़ा होगा, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत रानी मदालसा का चरित्र आता है जो कि अत्यंत पवित्र है। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो जन्म से ही अपने पुत्र को कविताएं सुनाती थी। और क्या कविताएं सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ऐसी कविताएं सुनाती थी कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ये संसार माया है, परिवर्तित होता रहता है, हम जीव हैं। आज हमारा शरीर बचपन में है, कल यौवन अवस्था में जाएगा, फिर बुढ़ापे में चले जाएगा, हमारा शरीर भी परिवर्तित होता है। तो रानी मदालसा ऐसे कविताएं अपने पुत्र को सुनाती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। यदि ऐसी कविताएं हम बालकों को सुनाएं, रामायण के चरित्र बालकों को सुनाएं, तो चरित्र का निर्माण होता है। लाली ने हमारे घर पे जन्म लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई आफत आने वाली है। क्यों भाई? लाली का जन्म हुआ है, अब तो हमको 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे दहेज के अंदर, शादी करनी है। किंतु लाला का जन्म होगा तो मिलेंगे। लाला का जन्म हुआ खुशी इस बात से नहीं है, बल्कि लाला के माध्यम से घर में बहू आएगी और उसके द्वारा धन आएगा, इस बात की खुशी ज्यादा है। अपने जीवन में दहेज को महत्व मत दीजिए। दहेज प्रथा हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में कभी नहीं थी। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि दहेज की प्रथा तो लोगों ने अपने मन से बना ली है, यथारूप दहेज की प्रथा हमारे संस्कृति में थी, किंतु उसकी जो परिभाषा है उसको लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दिया है। दहेज अपना जो पिता होता था वो अपनी पुत्री को अपने स्वेच्छा अनुसार जो उसका मन करता था वो पुत्री को देता था। जब भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था सत्यभामा जी के साथ तो उनके पिता ने भी दिया था, किंतु श्री कृष्ण ने मांगा नहीं था। आप लोग भी मांगिए मत अपनी स्वेच्छा से जो भी व्यक्ति, और आपका मांगने का अधिकार भी नहीं है। जो पुत्री का पिता दे रहा है वो अपनी पुत्री को दे रहा है, आपके पुत्र को नहीं। वस्तुतः आज का तो चलन अलग हो गया है। इन बातों पर प्रकाश इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि भागवत में बातें आती हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत में हर चीज का चित्रण किया है।
ऐसा कोई भी ज्ञान विज्ञान नहीं है जो भागवत में सुलभ ना हो। वस्तुतः गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से जो भी हमको प्राप्त है या सुलभ है वो हम आप सभी श्रोताओं को सुनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3.5 करोड़ सूर्य और चंद्र विराजमान हैं। 3.5 करोड़ सूर्य और चंद्र। अब आप पूछेंगे कि केवल 3.5 करोड़ सूर्य और चंद्र ही क्यों हैं? ये हम कहां से बोल रहे हैं? स्कंद पुराण के अंतर्गत। स्कंद पुराण के अंतर्गत ये बात आती है कि संसार के अंदर 3.5 करोड़ सूर्य और चंद्र विराजित हैं। अब बताइए कौन से वैज्ञानिक ने ढूंढा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ सूर्य और चंद्र हैं? जब 3.5 करोड़ सूर्य और चंद्र हैं तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड भी हैं। सूर्य चंद्र का तो अस्तित्व ही ब्रह्मांड से होगा, तो 3.5 करोड़ जब सूर्य और चंद्र हैं तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड भी हैं। और केवल 3.5 करोड़ क्यों है, 4.5 करोड़ क्यों नहीं है? तो अक्षर है हमारे में प्रणव ओम। ओम 3 शब्दों से बनता है, अ उ और मा, और अर्ध मात्रा उसमें विराजित है। तो 3.5 ये अ उ और मा और आधा, आधी जो अर्ध मात्रा होती है, इनको मिलाकर के 3.5 बनता है। यह ओम का जो अक्षर है 3.5 है, इसीलिए हमारे ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ सूर्य और चंद्र विराजित है। तो बाल कृष्ण लाल को भोग लगाना चाहिए, नित्य प्रतिदिन दूध का भोग अवश्य लगाएं। घर में यदि लाली का जन्म हुआ, लाला का जन्म हुआ, तो उसे परहेज ना करें। हम इतने मतलबी हो गए हैं कि घर पे पुत्र का जन्म हुआ तो प्रसन्नता हमको इस बात की हुई कि यदि पुत्र का जन्म हुआ है तो इससे हमको धन मिलेगा। लाली का जन्म हुआ तो दुख इस बात से हुआ कि धन देना पड़ेगा, तो चिंता किस बात की हुई? पुत्र के जन्म की, पुत्री के जन्म की नहीं, बोले धन के आने की। माने धन कौन है? पुत्र। और धन के जाने की, धन के आने और जाने की चिंता आपको ज्यादा है, पुत्र और पुत्री की चिंता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अपने पुत्र की चिंता नहीं है, पुत्री की चिंता नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दीजिए, अपने चरित्र का निर्माण करें। कभी किसी से हाथ ना फैला करके ऐसे मांगे ना कि भाई हमारी अपनी पुत्री के द्वारा हमें कार दे दो या बंगला दे दो। हमारे गुरुजी तो सख्त खिलाफ हैं इस बात के। हमारे गुरुजी तो अपनी कथाओं में प्राह बताया करते हैं इन बातों को, और हमारे गुरु भाई भी हैं और वो भी इन बातों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में धर्म को धारण करो, अपने जीवन में कृष्ण परमात्मा को, चैतन्यता को धारण करो। दहेज के रूप में शकुनी मिला था, दहेज के रूप में शकुनी मिला था, दहेज के रूप में शकुनी के साथ साथ रामायण के अंदर मंथरा भी कैकई को मिली थी। तो परिणाम देखिए क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण में राम जी को वनवास मिला, मंथरा सदैव कान भरा करती थी माता कैकई के। वस्तुतः माता कैकई तो बहुत अच्छी थी, राम जी कौशल्या माता से ज्यादा कैकई माता के पास ज्यादा रहते थे। सभी लोग अपने नाना नानी के यहाँ पे उनके भाई जाते थे, किंतु राम जी कैकई माता के पास में रहते थे। अपने जीवन में धन को लक्ष्य मत बनाइए, अपने जीवन में यदि